आप सभी को सादर प्रणाम। आइए हम सभी मिलकर अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभु जो अत्यंत विशिष्ट सभी निस्सहायों के भी परम सहायकारी, निर्धनों के धन, निर्बलों के बल, भय आदि से व्याप्त समस्त जीवों को निर्भयता प्रदान कर सदैव उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले अत्यंत मांगलिक, अत्यंत कल्याणकारक परमपिता परमात्मा। मंत्र पाठ। सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम प्राकथन को देख रहे हैं। कल तक हमने जो विषय देखा था उसमें मुख्य रूप से हमने एक विषय पर तनिक विचार किया था, क्या वेदों में संन्यास वानप्रस्थ आदि का विधान ज्यों का त्यों मिलता है। वेदों में तो सन्यासी और वानप्रस्थी ऐसे शब्द मिलते ही नहीं, फिर किस आधार पर सन्यास और वानप्रस्थ इन दो व्यवस्थाओं का विधान स्वामी दयानंद जी ने किया। इससे पूर्व कक्षा में हमने इस विषय पर विचार किया था, आज हम इससे आगे के विषय पर विचार करेंगे। पृष्ठ संख्या 27 आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार स्वामी जी पर उपनयन संस्कार के यज्ञों पवितम परमम मंत्र को भी अवैदिक बताकर आक्षेप किया करते हैं। क्या आक्षेप करते हैं? अवैदिक है ये मंत्र, वैदिक नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, अवैदिक होने का दंभ वो लोग भर रहे हैं, वो आक्षेप कर रहे हैं जिनकी स्वयं की जो आधार रूप क्रियाएं मान्यताएं हैं वो भी वेद के दूर दूर तक समीप नहीं, वो भी एक समाधिस्थ बुद्धि को अवैदिक घोषित कर रहे हैं। मानो इनसे ही प्रमाण पत्र चाहिए। आश्चर्य। देखिए आगे देखते हैं। किंतु स्वामी जी ने प्राचीन आर्यों की श्रेष्ठ परंपरा को कहीं भी नहीं छोड़ा है, इस भाव से गृह्य सूत्रों के प्रमाण रखे हैं।
उपनयन के लिए वेदों में बहुत प्रमाण मिलते हैं, जैसे कुछ निम्न हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल आठवां सूक्त और चौथा मंत्र का क्या है? युवा सुवासाह परिवीत आगात। परिवीत, जिसको अभी ऊपर हमने उपवीत ऐसा शब्द से भी पढ़ा, परिवीत आगात। और क्या है? अथर्वेद 11:7-3, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम। ये ब्रह्मचर्य सूक्त। और गा देखिए, यजुर्वेद 16:17, नमो हरि केशायोपवीतिने, नमो हरि केशायोपवीतिने, ऐसा इत्यादि वेद मंत्रों से उपनयन की प्रामाणिकता स्पष्ट है। गृह्य सूत्रों के उपनयन मंत्र को महर्षि ने इसलिए भी संस्कार विधि में स्थान दिया है कि ऋषि मुनियों ने इसमें यज्ञोपवीत के लाभों का समावेश करके इसकी उपयोगिता अत्यधिक बढ़ा दी है। अतः महर्षि का कोई भी प्रकरण अवैदिक नहीं है, यह मिथ्या समझने वालों की भ्रांति ही है। अवैदिक नहीं है और जो ऐसा समझ रहे हैं ये उनकी भ्रांति ही है। जो अभी तक ईश्वर के ठीक ठीक स्वरूप को भी, जो मूल आधार है, जो जीवन का, सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मूल आधार है, जिनकी इस विषय में भी मान्यता अभी सही स्थान पर नहीं पहुंची है, वो भी ऐसे ऐसे आक्षेप लगाते हैं। और ये इनकी उदारता है कि उसको भ्रांति कह रहे हैं। वस्तुतः एक बात कही जाती है कि दोषी को सबके भीतर दोष ही दिखते हैं, उसको कहीं भी गुण दिखता ही नहीं, कहीं गुण नहीं दिखता, वो प्रायः सब में दोष ही ढूंढता है। देखें तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है, ऐसा ही विकास हो जाता है उसका। ये भी ठीक नहीं। जैसा कि प्रायः अपने लोगों में भी ये रोग हमें देखने को मिलता है, वो कहीं पर भी कितना भी उत्तम कार्य हो रहा हो, उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। उन्हें क्या दिखता है? ओहो, देखो बस इसी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे देश का, बस यही तो है, सबका नाश कर दिया इसने, ऐसा भी लोग कई बार कहते हैं। जी, चाहे कितना भी उत्तम वहां पर आयोजन हो, कितनी भी उत्तम वहां पर उपक्रम चला हुआ हो, लेकिन एक भी यदि ऐसी क्रिया दिख गई, उसी को लेकर के पूरे कार्यक्रम को, पूरी उस व्यवस्था को, पूरी उस प्रसन्नता को, पूरी उस चित्त प्रसादन के उपक्रम को वो ध्वस्त करने का प्रायः यत्न करते हैं। और फिर बाद में लोग क्या कहते हैं? इन लोगों से बच के रहा करो, ये बड़े खतरनाक हैं, उपद्रवी होते हैं ये। अब तो ये छवि बन गई है, एक समय ये छवि थी कि यदि जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति आर्य समाजी है, उसने यदि कोई साक्ष्य दे दिया, यदि वो साक्षी रूप में वहां पर उपस्थित हो गया, जज उसके आधार पर निर्णय दे देते थे। कई बार ये एविडेंस बता रहा हूं लिखित रूप में, इतिहास है। उनसे पूछा कि जज साहब आपने ऐसा क्यों किया, तो जानते हो जज साहब का उत्तर क्या होता था, न्यायाधीश का उत्तर क्या होता था? वो कहते थे ये व्यक्ति आर्य समाजी है, मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। ये छवि थी। और आज क्या छवि है? अगर किसी को गलती से पता चल जाए ये आर्य समाजी, बस मानो उसने सांप देख लिया हो, वो भी एनाकोंडा, या ब्लैक मांबा देख लिया उसने। ये छवि है। तो ये केवल दूसरों में नहीं, अपने भीतर भी पाया जाता है, और जितने जितने अंशों में पाया जाता है हमें उसको ठीक ठीक कर लेना चाहिए। क्योंकि तो देखो, जब प्रथम हमें यज्ञोपवीत मिला, ऐसे हम कितने लोग हैं जिनको 8 वर्ष में यज्ञोपवीत मिला होगा? कितने हैं ऐसे? कितने लोग हैं जिनके माता पिता विद्वान रहे इत्यादि? और यज्ञोपवीत जब धारण करते हो तो मंत्र बोलते हो,
यज्ञो पवितम परमं पवित्रम प्रजापतेर यत सहजम पुरस्ताद आयुष्यम अग्रम इत्यादि, परम पवित्र कर देने वाला है। तो परम पवित्र का तात्पर्य यहां पर क्या है? यहां पर तात्पर्य यही है, जो जो हमारी दृष्टि में दोष हैं, जो जो हमारे संस्कार अशुद्ध हैं, उनको कैसा कर लिया जावे? इस विद्या रूपी चिन्ह, इस प्रतीक को धारण करते ही आपके भीतर एक उत्साह, एक संचार होता है ऊर्जा का, और उस ऊर्जा से ऊर्जित होते हुए हम अपने उन दोषों को भस्म करते चले, उन कुसंस्कारों को हटाते चले, सुसंस्कारों का आधान भीतर में करते चले, और ये कैसा हो? हमारी आयु को बढ़ाने वाला हो, इत्यादि इत्यादि। जब इस मंत्र पर विचार करेंगे गंभीरता से, वहीं पर इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। आगे देखिए नोवा अनुच्छेद देखेंगे। यहां से संस्कार विधि में गर्भाधान प्रकरण में जो गर्भाधान की विधि अर्थात जब वीर्य गर्भाशय में जाने का समय आवे इत्यादि बातें, यहां पर बातें शब्द छूट गया, बातें लिखी हैं, उस पर भी वेदों व शास्त्रों से अनभिज्ञ व्यक्ति आक्षेप किया करते हैं कि स्वामी जी ने कहां से और कैसे लिख दी, ये प्रश्न करते हैं, और इसको लेकर के बड़े विभत्स प्रश्न किए जाते हैं, सामान्य प्रश्न नहीं करते। इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, देखो तुम्हारा दयानंद, लंपट दयानंद, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और आज तो बहुत इससे भी ज्यादा कहीं स्थितियां गिर गई हैं कि जब तुम्हारा दयानंद ब्रह्मचारी था, आदित्य ब्रह्मचारी तुम उसे मानते हो, तो ये वाली, ये जो विधि है, ये विधि कैसे लिख दी उसने, बिना प्रत्यक्ष के, बिना देखे, बिना स्वयं के प्रत्यक्ष के, ऐसा तो लिखा ही नहीं जा सकता, ऐसा इनका आक्षेप है। लेकिन इन मूर्खों से कोई पूछे दो में दो जोड़ दिए जावे तो कितने होते हैं, तो सभी का उत्तर आएगा चार होता है, चार होते हैं। अब इनसे पूछो इसका क्या प्रमाण है, अगर तुम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हो तो ये शब्द प्रमाण क्यों तुम स्वीकार कर रहे हो, और दो का नाम दो ही होता है, क्यों स्वीकार कर रहे हो यदि शब्द प्रमाण से तुम्हें आपत्ति है, यदि तुम शब्द प्रमाण को समझते नहीं हो? अरे तुम्हें क्या कहा जाए, ये शब्द प्रमाण के आधार पर लिखा है। महर्षि वात्स्यायन और अन्य सारे ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने इस विषय पर बड़ी गंभीरता से, बहुत व्यापकता से विचार किया है। वेदों में ऐसे अनेकों मंत्र आते हैं, हम आगे देखेंगे भी, ये भी अभी एक बात उद्धृत करेंगे, वहां पर भी हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो भाई ये शब्द प्रमाण के आधार पर ऋषि ने लिखा है, स्वामी दयानंद जी ने ये जो बातें लिखी हैं ये शब्द प्रमाण के आधार पर लिखी हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में जिसका वेदों से, सत्य शास्त्रों से समीप संबंध भी नहीं है, जो उनके प्रति श्रद्धा नहीं भी रखता है, वो भी शब्द प्रमाण को शब्द सह स्वीकार करता है। माता अपने पुत्र को सिखाती है कि ये तेरे पिता है, स्वीकार करता है कि नहीं? अपनी माता के द्वारा कहे गए शब्दों के आधार पर वो स्वीकार करता है कि नहीं कि मेरा पिता है? अब वो कहे ना मैं तो प्रत्यक्ष करूंगा, तो प्रत्यक्ष कर कैसे करेगा, प्रमाण के आधार पर कर प्रमाणित कि ये तेरा ही पिता है, तू इसी की संतान है। तो कोई भी व्यक्ति यदि वो शास्त्र से नहीं भी जुड़ा है वो भी शब्द प्रमाण को स्वीकार करता है। बस मैं प्रायः कह देता हूं कि इन गधों को ठीक से कोई प्रत्युत्तर देने वाला चाहिए, तो ये वास्तव में गधे ही हैं, ये धरती के बोझ ही हैं, जो सामान्य विचार भी नहीं कर सकते। तो ऋषि ने, स्वामी दयानंद जी ने यहां पर शब्द प्रमाण के आधार पर ऐसे ऐसे विधान दिए हैं, और अनेकों सारे विधान हैं, अनेकों ऐसे विधान हैं जिनका प्रत्यक्ष ऋषि ने नहीं किया, लेकिन हम दो प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, शब्द प्रमाण यानी स्वतः प्रमाण को, वेद को, और वेद के अनुसार जो भी इतर ग्रंथ हैं, स्मृति, ब्राह्मण इत्यादि, इनको हम परतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। अंग उपांग सही जो भी ग्रंथ हैं, इनको हम परतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, और इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त एक और बात देखिए, इसको आप प्रायः अधिकांश लोग छोड़ते हैं, प्रत्यक्ष को, युक्ति को, तर्क को। प्रत्यक्ष यानी जो बिल्कुल हमारे समक्ष उपस्थित है, जैसे चलता है हस्त हथेली के ऊपर आंवला रखा हो तो स्पष्ट दिखता है, इसको हस्तामलकवत न्याय कहते हैं। तो ठीक ऐसे युक्ति को भी हम स्वीकार करते हैं, प्रमाण को, तर्क को हम स्वीकार करते हैं। कह रहा था कि हम केवल शब्द प्रमाण कोई नहीं, हम लोगों में प्रायः भ्रांति रहती है कि ये कहां लिखा, वेद में बताओ। हमने भले ही हमें ये भी ना पता हो कि यजुर्वेद में कुल मंत्र कितने, लेकिन हम प्रायः ऐसा प्रश्न कर देते हैं, अच्छा कौन से वेद में लिखा है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में ये चर्चा की थी कि कोई मान लीजिए अपना जन्मदिन जो है उसको उत्सव के रूप में, प्रसन्नता के रूप में मना रहा है, कहीं अपने कार्यालय में है, कहीं अपने काम करते हुए, या कहीं कोई लोग घर पे भी मनाते हैं, और उसमें कई लोग केक ले आते हैं। तो प्रायः जो हमारे बड़े लोग हैं, जो थोड़े से आयु से वृद्ध हैं, वो लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं, वेद में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब ऐसे लोगों को देखते के साथ ही, ऐसे लोगों के इस वाक्य को सुनते के साथ ही उनकी प्रसन्नता प्रायः ऐसी विक्षिप्त हो जाती है। तो ये ठीक नहीं है, ये दृष्टि बिल्कुल ठीक नहीं है। हम प्रत्यक्ष को भी स्वीकार करते हैं, हम परोक्ष को भी, हम तो अनुमान को भी स्वीकार करते हैं, युक्ति को, तर्क को, इन सबको भी हम स्वीकार करते हैं। केवल स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण को ही हम स्वीकार नहीं करते। जितने स्वतंत्र बुद्धि के, जितने तटस्थ भाव में एक वैदिक अनुगामी व्यक्ति हो सकता है, संसार में कितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स हो जाएं, इतना तटस्थ बुद्धि, इतना स्वतंत्र बुद्धि कोई नहीं हो सकता। जैसे कि गर्भाधान प्रकरण किसी को इंटेलेक्चुअल मान लिया गया हो और उसने ऐसे विषयों पर गंभीरता से, व्यापकता से विचार करते हुए अपने ग्रंथों में ऐसे जिसको संवेदनशील विषय कहते हैं, जिसको गोपनीय विषय कहते हैं, इन पर सटीकता से बात की, मिलेगा नहीं वैदिक विचारधारा के अतिरिक्त। और यदि किसी ने छेड़ने का प्रयास किया तो वो खुद तो डूबा ही डूबा, अन्यों को भी ले डूबा। या एक व्यक्ति की एक दृष्टि हो सकती है, उस विषय में वो विचार कर सकता है, विचार करता भी है, लेकिन उसके जो अनुगामी होते हैं, उस व्यक्ति का जो अनुसरण करते हैं, उन लोगों की स्थितियां बहुत खतरनाक हो जाती है। जैसे एक आचार्य रजनीश नाम के व्यक्ति हुए, ओशो जिनको आप नाम से जानते हैं, बहुत खतरनाक विचारक था ये, बहुत खतरनाक, अच्छे अच्छे की बुद्धियों को कैप्चर कर लेता था। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार नाम के एक व्यक्ति हुए, प्रोफेसर हुए गुरुकुल कांगड़ी के, इनके साथ इन्होंने शास्त्रार्थ करने के, यानी इन्होंने डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने उनको शास्त्रार्थ करने के लिए कहा भी था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे ये गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था इत्यादि। तो उन्होंने संभोग से समाधि एक विचार दिया, और इस पुस्तक को मैंने भी इसका अवलोकन किया है। इस पुस्तक की जो मुख्य धारणा है वो धारणा अलग ही है, लेकिन वर्तमान में इसको लेकर के जो समाज में धारणा, और जितने ओशो के भक्त हैं, जो ओशो की मेंटेलिटी को, ओशो की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं अभी भी, वास्तव में अगर उनको कहें तो उनमें से अधिकांश अंध भक्ति ही हैं। कोई एकाद होगा जो कम से कम थोड़ा बहुत समग्रता से, तो वो भी नहीं, जो इस बुद्धि को, जो इस विचार को ठीक प्रकार से समझ पाएगा। अच्छा एक और बात साझा कर देता हूं आपके साथ, संसार में किसी भी दृष्टि को ठीक ठीक समझने के लिए एकमात्र दृष्टि है वेद दृष्टि, दर्शन दृष्टि, जिसको आप वैदिक दर्शन भी बोल देते हो। जिसके पास वैदिक दृष्टि आ गई, जिसके पास दार्शनिक दृष्टि आ गई, संसार की किसी भी परंपरा को जितनी तीक्ष्णता और जितनी व्यापकता से ठीक ठीक अब ये बुद्धि समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। सरल और सामान्य भाषा में कहूं तो आर्य समाजी बुद्धि, खतरनाक वाली नहीं, निष्पक्ष वाली, योग्यता परक आर्य समाजी बुद्धि। तो इसलिए भी आर्य समाजी होने के ऊपर जो लेकर के कई बार मन में ये आ जाता ना, अरे किसी को पता ना चल जाए आज आर्य समाज की छवि खराब है, एकदम गर्व के साथ जियो, भीतर में ये एक ठसक रखो कि प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है,
और मेरे जीवन का कोई पुण्य कर्माशय उदित हुआ है कि मैं सीधे वेद की परंपरा से जुड़ा हूं, मैं सीधे दर्शनों की ऋषियों की परंपरा से जुड़ा हूं। ऐसे ऐसे मठ हैं, मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूं, एक 10-10 वर्षों तक शिष्य बने रहने के उपरांत एक सूत्र सिखाया जाता है। यहां अगर योग्यता है, पात्रता है, तो सीधे प्रथम दिन ही जब आते हैं, प्रथम दिन ही क्या उपदेश किया जाता है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। प्रथम दिन ही जीवन का मूल सूत्र दे दिया, अब ढूंढ लो, जिससे ये दो सिद्ध हो जाएं, बस आपका जीवन सार्थक हो गया। जीवन में उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य दोनों बता दिए एक ही सूत्र में। जीवन में उद्देश्य क्या है तो अभ्युदय, और जीवन का उद्देश्य क्या है तो निःश्रेयस, जिसको आप शन्नो देवी रभिष्टय अभिष्टय और पीतय जिस शब्दों से वेद मंत्र में कहते हो, उसी को यहां पर बता दिया कि जीवन में उद्देश्य क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कई लोग एक ये भी करते हैं, मोक्ष पाओ मोक्ष पाओ, मोक्ष के लिए प्रयास करो, चाहे स्थितियां सामान्य भी ना हो। भैया ठीक से समझ लो, व्यापकता से विचार कर लो, धर्म नाम जीवन में उद्देश्य अर्थात अभ्युदय का भी है, और धर्म की संपूर्ण सार्थकता जिसमें सिद्ध हो जाती है वो है मोक्ष, वो है अपवर्ग, वो है मुक्ति। वहां तक जाने के लिए सबसे प्रथम ही ऋषि ने भी जो क्रम रखा उसके पीछे बहुत गहरी बुद्धि है, जिसको समाधिस्थ बुद्धि कहेंगे। तो पहले यतो अभ्युदय, अभ्युदय रखा। वेद ने भी शन्नो देवी रभिष्टया, उसने भी पहले अभिष्ट सांसारिक सुख, जीवन में उद्देश्य। तो कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सैनिक बनना चाहता है, मेजर बनना चाहता है, कमांडो बनना चाहता है, मना नहीं है। ध्यान रखिए, ये दृष्टि हटा दीजिए कि बस मोक्ष ही मात्र अंतिम है और यही प्रथम है, बिल्कुल नहीं। ऋषि ने भी और वेद ने भी प्रथम देखो किसको रखा है, जीवन में उद्देश्य, क्योंकि जीवन में यदि उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य में यदि सफल होंगे तब समझ में आता है ये जीवन का उद्देश्य। इसलिए ये एक तरफा दृष्टि भी ठीक नहीं है, केवल मोक्ष चाहिए। चाहे मैं कहता हूं संप्रज्ञात समाधि तो छोड़ दीजिए, चाहे अभी तक प्रत्याहार सिद्ध ना हुआ हो, मोक्ष तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं चाहे प्रत्याहार ही सिद्ध ना हुआ हो, अहिंसा में ही प्रतिष्ठा ना हुई हो भी, जिसको महर्षि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग, चाहे ये ना हुआ हो लेकिन चाहिए मोक्ष। बात मोक्ष की, मोक्ष से नीचे तो कुछ का बात ही नहीं करनी। तो ये दृष्टि भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भी जैसे हम दूसरों की भ्रांति करें, ये हमारी भी भ्रांति ही है। अस्तु, तो ऐसा नहीं है, आवश्यक नहीं है कि जो हम कह रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वो सारा सभी का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। शब्द प्रमाण को सभी स्वीकार करते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, किसी संतान को ये बताया जावे कि ये तेरे पिता हैं, अब वो इस शब्द प्रमाण को अपनी माता के द्वारा, अपने परिजनों के द्वारा कहे इस शब्द को, इस प्रमाण को स्वीकार ना करे। वो कहे मैं तो प्रत्यक्ष करूंगा, मैं तो नहीं मानता शब्द प्रमाण को। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं वेद को ही नहीं मानता। चल ठीक है, तू वेद को भी मत मान, लेकिन अब तू इसका प्रत्यक्ष करके दिखा कि ये तेरा पिता है और तू इसका पुत्र है। संसार का कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकता पुत्र रूप में। जो पिता है उसको पता होता है और जो माता है उसको पता होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे भी और अधिक सूक्ष्मता में, गहनता में लेकर के चलता हूं, इसका भी ठीक ठीक बोध तो केवल माता को ही हो सकता है। ध्यान रखिए, यदि कोई भीतर में जो पिता है यदि वो भी ये सोचे बैठा कि नहीं मैं तो निश्चित ही हूं, ना 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 ना, आपको भी भ्रम हो सकता है। इसका तो ठीक ठीक यथावत परमात्मा के उपरांत यदि कोई दूसरी सत्ता है तो वो है माता, जिसने इस गर्भ को धारण किया है अपने गर्भाशय में, वही बता सकती है। जैसे कहते ना, तू किसका खून है, अभी खून का तात्पर्य क्या होता है, किसका अंश है। अस्तु, तो इस पर और व्यापकता से हम वही विचार करेंगे।
तो यहां से देखिए, उस पर भी वेदों में शास्त्रों से अनभिज्ञ व्यक्ति आक्षेप किया करते हैं कि यह स्वामी जी ने कहां से और कैसे लिख दी। स्वामी जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, अतः उनके निष्कलंक चरित्र को भी दूषित करने का दुस्साहस तथा कुचेष्टा किया करते हैं, किंतु उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी ज्ञान अनुभव से ही नहीं सीखा जाता। वेद आदि शास्त्रों को पढ़कर भी बहुत कुछ सीखा जाता है। इस विषय में श्री राम गोपाल जी शास्त्री ने वेदादि शास्त्रों के निम्न प्रमाण दर्शाए हैं, जो इस विषय में बहुत ही प्रकाश डालते हैं। जैसा हमने अभी कहा था कि ये प्रमाण भी उद्धृत करेंगे और उस पर भी हम विचार करेंगे कि भाई ये गर्भाधान आदि के लिए कहां विधान है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये वैदिक विधान है, तो एक बार हमें वेद मंत्र भी बताओ। तो यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 88वां मंत्र देख सकते हैं। अब यदि जैसा मैंने पिछली कक्षाओं में कहा था, एक ग्रंथ मिलता है कामसूत्र, ऋषि वात्स्यायन कृत, हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन विदेशी लोगों ने इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और आज उसके ऊपर पैटर्न है उनका। आप इसको अपने नाम से पब्लिश भी नहीं करा सकते, ऐसी स्थितियां भी हैं बहुत स्थानों पर, क्योंकि हम कैसे हैं, हम बहुत ज्यादा अति सदाचारी हैं, और जितने सदाचार की परिकल्पना हमने कर रखी है, ऐसा सदाचार केवल कल्पनाओं में होता है, इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। दो प्रकार की सृष्टियां होती है, अमैथुनी सृष्टि और मैथुनी सृष्टि। वर्तमान में जो आप ये देह धारण किए फिरते हैं ना हम सभी, ये मैथुनी सृष्टि का ही परिणाम है, उसी की परिणति है। यदि आपको देह मैथुनी सृष्टि के अंतर्गत प्राप्त हुआ है और आप अमैथुनी सृष्टि में हैं और उसकी परिकल्पना में जीते हैं, तो आप तो सामान्य व्यवहारिक भी नहीं है। इसलिए और एक बात, अभी जो ये प्रमाण देखने वाले, यजुर्वेद में स्पष्टता से देखिए, अभी हम इसको पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। कई लोगों को उस दिन भी आपत्ति हुई होगी कि अरे अच्छा, ये तो कोई अलग ही व्यक्ति है, शास्त्रों के नाम पर ये तो कामसूत्र की बात करता है। जीवन में जीने के लिए जो जो विषय विधान जो जो भी हमारे जीवन से जुड़े हैं, उनके विषय में यदि ठीक ठीक जानकारी नहीं रखेंगे, तो गलत जानकारियां तो आ ही जाती हैं, और गलत जानकारियों के संस्कार तो न जाने कितने जन्मों से विद्यमान हैं ही। इसलिए प्रत्येक विषय पर गंभीरता, स्पष्टता और तटस्थता से बात कीजिए, तब देखिए जीवन में आनंद, तब देखिए अपने बालकों की वास्तव में गति। बालकों के साथ हम इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहते। कोई पूछ ले, माता मेरे देह में ऐसे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं, डांट देती हैं प्रायः अधिकांश स्त्रियां। आज तो कुछ पढ़ी लिखी ऐसी मातृशक्तियां हैं जो अपने बालकों के साथ मित्रवत व्यवहार करती हैं, उनको समझाती हैं, बेटा ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये शारीरिक परिवर्तन है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, दैट्स नेचुरल। इस प्रकार की चीजें वो अपने बच्चों को मोटिवेट करती हैं। कई सारे स्थानों पर तो जब बालिका को प्रथम मासिक धर्म होता है, वहां पर उनकी पूजा की जाती है, उत्सव मनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे अभी भी वर्तमान में भी प्रचलित हैं। इधर दक्षिण में चले जाइए, अस्तु देखिए क्या है, ओम मुखम तदस्य शिर इत्सतेन जिह्वा पवित्र मश्मी वनासन सरस्वती। और आगे का देखें दूसरा भाग, चप्यम न पायुर्भिषगस्य बालो वस्तीर्ण शेपो हरसा तरस्वी, यजुर्वेद 16:88। इस मंत्र का महर्षि कृत भाष्य पाठकों को देखना चाहिए, जिससे महर्षि के लेख की स्पष्ट प्रामाणिकता मिल जाती है। महर्षि ने इस मंत्र के भावार्थ में इस विधि की आवश्यकता तथा उपयोगिता बताते हुए लिखा है, स्त्री पुरुष गर्भाधान के समय में परस्पर मिल प्रेम से पूरित होकर मुख के साथ मुख, आंख के साथ आंख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर का अनुसंधान करके गर्भ का धारण करें, जिससे
ये बात ध्यान देने योग्य। देखो ऐसा क्यों कहा, आप कह सकते हो भाई क्या आवश्यकता है, तो देखो ये बात है वो जिसको अगर ठीक से समझ लेंगे तो ऊपर वाली बात समझ में आ जाएगी, जिससे कुरूप व वक्रांग संतान ना होवे। वर्तमान में जितनी भी कुरूप संतानें होती हैं या अपंग संतानें होती हैं या विकलांग संतानें होती हैं या अधिकांग संतानें होती हैं, किसी के छह हाथों में छह छह उंगलियां हैं, किसी के दो सिर हैं, किसी के धड़ आपस में जुड़े हुए हैं, दो दो बच्चे एक साथ में, इस प्रकार ये जानते हो किसका परिणाम है, ये इस विज्ञान का, इस गर्भाधान रूपी यज्ञ को ठीक ठीक ना जानने के बाद जो क्रिया की जा रही है, पशुवत जो कामाचार किया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है। जीवन की स्वाभाविक आवश्यकता, नैसर्गिक स्थिति पर हम बात ही नहीं करना चाहते, क्या कह करके, ना 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 बालकों से दूर रखो, बालकों के सामने ऐसी बातें मत आने दो, ना जाने कौन सी दृष्टि है, ना जाने आत्मा के साथ आत्मा जैसा व्यवहार करने में क्या आपत्ति है, क्यों एक बार भी ये विचार नहीं आता ऐसे ऐसा ऐसा सोचने पर कि ये आत्मा भी ना जाने कितने जन्मों से इन सब कार्यों, इन सब व्यवहारों के अनेकों संस्कार लिए हुए घूम रहा है, और इस बार भी ये जो उपस्थित हुआ है अनेकों संस्कारों को लेकर के उपस्थित हुआ है। लेकिन आपने अपने अनुभव से, मैं बड़ों के लिए कह रहा हूं, जो गृहस्थी है, जो गृहस्थी अनुभवी, जो वानप्रस्थ आदि की आयु के भी हो गए, आपके पास इतना गाढ़ा, इतना प्रत्यक्ष अनुभव है कि आप किसी भी बालक और बालिका को अपने अनुभव रूपी एक वाक्य से उसके जीवन में बहुत बड़ा आलंबन का काम कर सकते हो। लेकिन हम बात ही नहीं करेंगे। वेद इस विषय में स्पष्टता से बात करता है, अनेकों सारे गृह सूत्र इस विषय में स्पष्टता से बात करते हैं, दर्शन में भी इस विषय को लेकर के चर्चा आती है, उपनिषदों में तो इतनी व्यापक आपको इसका संदर्भ मिलता है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कई बार यदि हमारी स्थिति ना हो, यदि हमारा संयम, सामान्य संयम भी ना हो, तो कई लोगों की स्थितियां यहीं खराब हो जाती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, हम आज तक केवल इस काम को लेकर के सहज ही नहीं हो पाए। यदि इसको केवल मात्र भोग भी मान लेवे, यदि इसको यज्ञ ना भी स्वीकार कर पा रहे हो अभी तक भी, यदि इसको पवित्र क्रिया, पवित्र कर्म, इसको संस्कार यदि ना भी स्वीकार कर पा रहे हो, अभी भी नहीं आ पा रहे हो, तो भोग के रूप में भी इसको सहजता अभी तक आई नहीं है। प्रतिदिन भोजन तो भोगते ही है ना, भोजन का तो भोग करते ही है, अन्न का तो भोग करते ही है, वो भी एक भोग है। जैसे उस भोग को लेकर के हम सभी की सहजता है, कोई भी उत्तेजित आक्रामक उस रूप में भोजन को लेकर के नहीं होता। तो यदि जीवन में इसको केवल भोग भी मान लिया जाए, प्रथम दृष्टा कह रहा हूं, केवल समझने की दृष्टि से, इसको लेकर के सहजता ही नहीं आ पाई आज तक। जानते हो क्यों? तो देवी जी एक बड़ी सुंदर बात कहती है, वो एक बात कहती है, आकर्षण जो होता है छुपे हुए के प्रति होता है, स्पष्ट के प्रति, खुले हुए के प्रति, प्रत्यक्ष के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। झुकाव, जानने की इच्छा, जो जिसको आप क्यूरियोसिटी नाम से जानते हो, ये कहां होता है? जो चीजें छुपी हुई होती है। भारत में एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इस शिक्षा से वंचित रहने और रखने का देखो दुष्परिणाम कितना भयंकर है। भारत में जो रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, यदि इसका रेशियो निकाला जावे, विदेशों को, विदेशों में जितने बलात्कार होते हैं, अपने भारत में जितने बलात्कार होते हैं, यदि इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए, तुलना की जावे, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत की अपेक्षा विदेशों में मात्र 2-5% बलात्कार रिकॉर्ड है। लेकिन अपने भारत में प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात कर रहा हूं, वर्ष की नहीं, प्रतिदिन, कई बार ये आंकड़े ऐसे भी हो जाते हैं कि प्रत्येक घंटे में बलात्कार हो रहा होता है, प्रतिदिन के प्रत्येक घंटे में। जानते हो क्यों? यही अत्यधिक आदर्शवाद, अत्यधिक शालीनता,
अत्यधिक धार्मिकता, जिसको हमने समझ लिया कि ये धार्मिकता है, मूर्खता है ये केवल मात्र। मैं एक बात कहता हूं, रिक्तता। यदि कोई व्यक्ति काम से ही रिक्त नहीं हो पाया, ये जो संतानें होती हैं जिसको गर्भाधान संस्कार के रूप में हम पढ़ेंगे, कामज संतानें, ध्यान रखिए, काम से जनित, हमें भी जो ये देह प्राप्त है, हमको भी जो हमें भी कहा जाएगा, वो कामज संतान है हम। यदि कोई भीतर में ये बैठा हो लेकर के कि नहीं मैं तो ऋषि हूं या मैं तो बहुत उत्तम हूं, कामज संतानें हैं हम भी, काम से जनित, काम से उत्पन्न। यदि केवल काम से रिक्त नहीं हो पाया, काम को लेकर सहज नहीं हो पाया, क्या लाभ रहा जीवन? जितनी उपासना करो, जितनी साधना करो, जितने यज्ञ करो, बाह्य क्रियाओं का प्रभाव अवश्य होता है, स्वयं के ऊपर भी और अन्यों के ऊपर भी, लेकिन जीवन की सार्थकता किस रूप में सिद्ध हुई? मनुष्य जीवन को पाकर के एक भी संस्कार पर काम नहीं कर पाए, एक भी संस्कार से रिक्त नहीं हो पाए, सुसंस्कारित नहीं हो पाए, कोई जीवन सार्थक नहीं रहा। केवल एक काम से रिक्त नहीं हो पाए, और बात मोक्ष की करेंगे, केवल मात्र काम से। व्यक्ति को रसगुल्ला प्रिय है, एक बार खाएगा, दो बार खाएगा, तीसरी बार उसको पेट भर के खिला दीजिए, उस समय वो ये कहेगा अब नहीं चाहिए। और यदि किसी वस्तु को खाने के बाद किसी को तनिक भर रुग्णता आ जावे, वर्षों तक छुएगा नहीं, और कोई उसके सामने से लेकर के निकल जाएगा तो ऐसे मुख बचाएगा। और इसी को सामान्य रूप में कहता हूं, दूध का जला मट्ठे को भी फूंक फूंक कर पीता है, ये क्या है? ये यही है जिसका मैं अभी कह रहा हूं, रिक्त हो गया है वो सावधान हो गया, सजग हो गया उस स्थिति को लेकर के। जीवन में काम सबसे निकृष्ट भोग है। देखो, काम रूपी भोग शरीर के सबसे निकृष्टतम अंगों से भोगा जाता है, इससे ज्यादा आत्मा का अधोपतन क्या हो सकता है? और सबसे खतरनाक है, ध्यान रखिए, सबसे खतरनाक है। यदि किसी ने काम को समझ लिया या काम को जीत लिया, जिसको आप ऐसे समझते, बहुत बड़ा तपस्वी है ये, बहुत बड़ा तपस्वी है। यदि तप नहीं भी कर रहा, जिसको आप तप मानते हो या हम जिसको प्रायः तप समझ लेते हैं, यदि किसी ने काम को लेकर के जिसने संयम प्राप्त कर लिया इस जीवन में, मनुष्य देह में, आत्मा उन्नति की ओर बढ़ रहा है। अस्तु, तो इस विषय पर आगे देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण का भी ये स्पष्टता से इसका अर्थ भी आपको कल थोड़ा थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, तो कल के विषय में हम इसको और गंभीरता से विचार करेंगे। इसलिए व्यापक दृष्टि, और जो हम गृहस्थी हैं, यदि हम अपने जीवन में एक बालक, एक बालिका, एक युवक, किसी एक युवती को भी ठीक ठीक गाइड कर पाए, उसको ठीक ठीक मार्गदर्शन दे पाए, उसको सहजता प्राप्त करने में सहयोग कर पाए, हमारा गृहस्थी होना, हमारा अनुभव युक्त होना सार्थक हो जाएगा। अनुभव की, ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि पर उपकार, दूसरे का कल्याण हो जावे। परमात्मा से बड़ा परोपकारी, परमात्मा से बड़ा मांगलिक कोई होगा क्या? बताओ, संसार की किस काम भोग चेष्टा में परमात्मा व्यापक नहीं है? और देखो कितनी गजब की योग्यता, भीतर में कितना बड़ा बल का संचार होता है। प्रभु प्रत्येक काम चेष्टा, प्रत्येक काम व्यवहार को प्रत्यक्ष कर रहे हो प्रतिक्षण, लेकिन आज तक तनिक भी विकार नहीं, तनिक भी निर्लेप, निर्विकार। तो परमात्मा की उपासना करते हो तो ये इस गुण को भी तो अपनी उपासना में लेकर के आइए और इसको जीवन में धारण कीजिए। और जिस दिन किसी एक भी स्थिति काम के प्रति निर्लिप्त तो हो गए आप, या हम काम के प्रति यदि हम अनासक्त हो गए, काम के प्रति यदि हम तटस्थ हो गए, हम सहज हो गए, यदि हम रिक्त तो हो गए, समझ लीजिए मुक्ति में अब कोई बहुत अधिक दूरी नहीं। अब मुक्ति तो बिल्कुल स्पष्ट ही है, क्योंकि काम ही इस जीवन का सबसे बड़ा बाधक शत्रु है। काम
काम के साथ साथ फिर अन्य सभी आ जाते हैं। कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम के बाद ही सब कुछ आता है, ये ध्यान रखिए। और जब कई लोग बोलते भी तो देखो क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हट दुराग्रहता इत्यादि इत्यादि। प्रथम किसका उच्चारण करते हैं? काम ही का उच्चारण करते हैं। अस्तु, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं, और किन्हीं का कोई प्रश्न हुआ है यदि तो कल की कक्षा में, आज कोई प्रश्न काल भी नहीं रखते हैं। अब प्रयास करेंगे कि कक्षा मात्र 30 से 40 मिनट के आसपास ही रहे, अधिकतम बस होगा तो 45 मिनट रखेंगे, ठीक है। तो एक बार प्रभु के लिए भीतर में कृतज्ञता धन्यवाद आदि के भाव कि प्रभु आपकी कृपा से जीवन के एक सुंदर पक्ष को इतनी गहनता इतनी व्यापकता से जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है, प्रभु आप इतनी अनुकूलता प्रदान कर रहे हो, आपके लिए बारंबार धन्यवाद, आपके इस स्वरूप का इस प्रकार से तो आज प्रथम बार श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी भीतर में उदात्त भावनाएं एक बार ओम का उच्चारण कर अपनी कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः।